बहुत ही इम्पोर्टेंट आज केस लगा हुआ था हमारा, जिसमें जो पिटीशन इमरान खान की जान को खतरात लाहक हैं उनके ऊपर फाइल की गई है, उसमें आज हमने एक एप्लीकेशन भी दायर की थी कि उनको अलग से जो मुलाकात है वो उसका जेल इंतज़ामिया वो इंतज़ाम नहीं करती, वहाँ पर वो गार्डेड होती है। लेकिन उसके उससे भी ऊपर जब शाम को हमें ये अलकादर ट्रस्ट के अंदर फैसला सुनाया गया, जब इमरान जहाँ पे इमरान खान की जो गिरफ्तारी अब रीसेंट गिरफ्तारी है उसको लीगल करार दिया गया, यानी उसके ऊपर जो हमारी पिटीशन थी उसको इंफ्रक्चस जो है वो डिक्लेयर किया गया, तो मुझे फ्रेश इंस्ट्रक्शंस खान साहब की तरफ से और बेगम साहिबा की तरफ से मौसूल हुई। हमने आज एतराज़ उठाया कि खान साहब की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस हैं और पिटिशनर जो हैं वो इस बेंच के ऊपर एतमाद नहीं करती, लिहाजा आप ये केस और खान साहब के दीगर जो आपके पास केसेस हैं वो किसी और बेंच को जो हैं वो ट्रांसफ़र करें, ताकि इंसाफ न सिर्फ हो बल्कि दिखाई भी दे के हो रहा है। यहाँ पर इंसाफ हो तो रहा है लेकिन एक ही तरफ का इंसाफ हो रहा है, वो इंसाफ इस तरह नहीं होना चाहिए। तो उसके ऊपर ऑनरेबल जज साहब ने जो है वो हमारे इस स्टांस को मानते हुए पाकिस्तान बार कौंसिल, पंजाब बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल और बाकी दीगर जो बार एसोसिएशन हैं उनको जो है वो नोटिस जारी किया है, उनके नुमाइंदगान को कहा है कि आके कोर्ट की असिस्टेंस दें, जिसके ऊपर हमने ये फैसला किया है कि हम भी नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग के ऊपर जो जितने हमारे ग्रीवेंसेज हैं इस बेंच के खिलाफ उनकी लिस्ट और वो एक दरख्वास्त के थ्रू जो है वो रिकॉर्ड पर लाएंगे, ताकि सारी दुनिया जो है वो देखे कि हमारे साथ इंसाफ के नाम पर हुआ क्या है। 9 मई और टेरियान केस एक लंबी लिस्ट है जहाँ पे एक ही बेंच ने जो है वो खान साहब के साथ जो है वो इंसाफ वाज़े तौर पर नहीं किया, जिसके जिसके ऊपर 9 मई का ख़ास तौर पर है जब खान साहब को हाई कोर्ट के अंदर से गिरफ़्तार किया गया और जब सुप्रीम कोर्ट के सामने वो फैसला पहुँचा तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको ना सिर्फ रिवर्स किया बल्कि खान साहब को रिलीज़ किया। यहाँ पर अलकादर ट्रस्ट के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल रही कि नैब की तरफ से हमेशा अदालत में आकर यही बयान दिया गया कि हमारी जो पिटीशन है उसके अंदर जो लॉ उन्होंने बताया कि ये अप्लाई होता है वो लॉ 2002 में ख़त्म हो चुका था, और ये फैक्ट जो है वो अदालत के सामने बार बार लाया गया और अदालत ने इसके ऊपर लॉ मिनिस्ट्री को बुलाया और उसके ऊपर उन्होंने उनको जो है वो उनसे रिपोर्ट तलब की। रिपोर्ट तलब करने के बाद जब लॉ मिनिस्ट्री ने हमारी स्टांस को कहा कि हम ठीक कह रहे हैं, तो उसके बाद अदालत की तरफ से फिर से जो है वो नैब के हक में ही फैसला दे देना हमारी समझ से बालातर था। ये बताएगा इंतज़ार पंजोदा साहब कि अगर कोई मौकल या वकील बेंच पर एतराज़ आयद करता है तो कानूनी हवाले से क्या कहता है, उसमें क्या ऑप्शंस होती हैं मौकल के पास अगर एतराज़ दायर किया जाए और उस पर लीगल क्या प्रोसीडिंग होती है? देखिए जी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंसाफ जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिसका नज़र आना मुआशरे के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इंसाफ नज़र ना आए और एक बेइंसाफी जो है वो एक हर तरफ ज़माने ज़द्याम हो, आपकी तरफ से, मीडिया की तरफ से, लोगों की तरफ से, हर कोई पूछकर हमारे साथ यही सवाल करता है कि आप ये एतराज़ क्यों नहीं उठाते, तो हम सिर्फ इस इदारे की जो तकरीम है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रिस्पेक्ट और डिग्निटी की खातर ये हमने उठाया है, ताकि तमाम जजेस के ऊपर जो है अगर देखिए जी कानून बहुत वाजे है, कानून वाजे है इंसाफ करने का। यहाँ पर एक दरख्वास्त जो है वो 8 जनवरी को फाइल की जाती है कि मैं अपना केस विड्रॉ करना चाहता हूँ, लेकिन उसको जो है वो आज की तारीख तक वो विड्रॉ नहीं करने दिया गया। क्यों विड्रॉ नहीं करने दिया गया? क्योंकि उस पिटीशन की वजह से, उस विड्रॉल की वजह से खान साहब जिस तोशाखाना केस के अंदर ट्रायल के बाद सज़ा भुगत रहे हैं वो सज़ा इटसेल्फ इलीगल हो जाएगी अगर वो लाहौर हाई कोर्ट पहुँच जाएगा। तो ये चीज़ें जो है वो सारी सामने आनी चाहिए। कानूनी सुकम अपनी जगह पे मौजूद होते हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये प्रैक्टिस के ऊपर जो है वो करती हैं। एक प्रॉपर्टी है, अगर जजेस के ऊपर जब भी किसी ने एतराज़ किया है जो आपका सवाल है, तो फिर जजेस ने अपने आप को डिग्निटी की खातर, को अपने इंस्टीट्यूशन की डिग्निटी की खातर, वही हम भी चाहते हैं, हम इस अदालत की इज़्ज़त और एहतराम में कोई कमी नहीं लाना चाहते। हमारे जो खान साहब हैं, जो बुशरा इमरान खान साहिबा हैं, वो रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ी हैं, उनकी 27 साल जो स्ट्रगल है वो है ही रूल ऑफ लॉ के लिए, और रूल ऑफ लॉ की डिमांड ये है कि अदालतें इंसाफ करें। तो इसी को हमने आज रखा और अब हमें उम्मीद है
कि जब तमाम दीगर जो बार एसोसिएशन हैं तो इसके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन होगी, क्योंकि हर तरफ ये बात होती है, हर तरफ ये कंसर्न है। हमारे हमें जब इंस्ट्रक्शंस मिली तो हमने अदालत के सामने रखा, अदालत ने बड़ी मेहरबानी की है कि इसके ऊपर नोटिसेस जारी किए हैं और देखते हैं कि क्या होता है। आपकी मुलाकात हुई है ताज़ा तरीन जिसमें इंस्ट्रक्शंस दे गए हैं आपको? देखिए जी, इंस्ट्रक्शंस ज़ाहिर है वो मीटिंग्स जो हैं खान साहब की जो हैं वो एक स्केजूल के तहत होती हैं, मेरी इस हफ्ते मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जिनकी मुलाकात हुई है उनके थ्रू जो है वो इंस्ट्रक्शंस आती हैं। मेरी पिछले हफ्ते मुलाकात हुई थी, तो अब नेक्स्ट वीक भी मेरी मुलाकात होगी, बल्कि कल भी हो सकती है एक केस में। जज के पास कितने केसेस हैं पीटीआई के या खान साहब के जिन पर आप चाहते हैं कि वो फैसला दें या बेंच दूसरा? सारे केसेस तमाम केसेस के अंदर जी हमें इंस्ट्रक्शंस हैं कि हम ये एतराज उठाएं, तो उसी इंस्ट्रक्शंस के फॉलो करते हुए हम यहाँ पर ये एतराज उठाएंगे और जितने भी केसेस हैं उनको हम ये कहेंगे कि आप रिक्यूज़ करें।